मतलब जब पेपर आए घर पे तो वो देखा कि तलाक नामा था। न्यूज़पेपर के जरिए मेरे को मालूम हुआ कि मेरे को तलाक दे दी, बल्कि शादी करके चला गया, जाने के बाद ईमेल से उसने तलाक दी। ये दर्द उन महिलाओं का है जिनकी जिंदगी में ये ट्रिपल तलाक के वायरस ने तबाही ला दी है। ये दर्द उन मुस्लिम महिलाओं का है जिन्हें ट्रिपल तलाक ने कटी पतंग की तरह बना दिया। ये दर्द उन मुस्लिम महिलाओं का है जिनके जीने के सपने और आजादी को ट्रिपल तलाक ने छीन लिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज इसी ट्रिपल तलाक को मुस्लिम महिलाओं से तलाक दिलवा दिया है। ट्रिपल तलाक पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए इस पर बैन का फैसला सुनाया और मोदी सरकार को इस पर कानून लाने के लिए 6 माह का वक्त दिया है। अब इसके आगे का काम मोदी सरकार को करना है। ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाएं भरोसे के साथ पीएम मोदी से इसके खिलाफ कई बार गुहार लगाई थी। ट्रिपल तलाक पर मोदी सरकार शुरुआत से ही मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी है। खुद पीएम मोदी कई बार ट्रिपल तलाक को देश की मुस्लिम महिलाओं के लिए अभिशाप बता चुके हैं। मैं उन बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूं जो 3 तलाक के कारण बहुत ही दुर्दैव जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुई, कोई आश्रय नहीं बचा है, और ऐसी पीड़ित 3 तलाक से पीड़ित बहनों ने पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किया, देश के बुद्धिजीवी वर्ग को हिला दिया, देश के मीडिया ने भी उनकी मदद की, पूरे देश में 3 तलाक के खिलाफ एक माहौल निर्माण हुआ। इस आंदोलन को चलाने वाली उस मेरी बहनों को जो 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं को न्याय मिला है, साथ ही साथ उन महिलाओं को भी जो तलाक जैसे वायरस के डर से खौफ में रहती थी और हर प्रकार के शोषण का शिकार होती थी।